विधानसभा चुनावों में चाहे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। यहां हम लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां बात करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि सचिन पायलट का कद जिस हिसाब से केंद्र की राजनीति में बढ़ रहा है उसका असर राजस्थान में लोकसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है इसकी दिल्ली में एक बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद सचिन पायलट जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। इसके साथ ही उनकी मुस्कान ये बयान कर रही थी कि केंद्र की राजनीति में अब सचिन पायलट का जो कद है वह लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ समय से राजस्थान में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए थे उन घटनाक्रमों ने राजस्थान में सचिन पायलट के कद को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर किया था, तो वहीं केंद्र की शीर्ष राजनीति से भी उनकी दूरियां बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट दौड़ में आगे निकलते जा रहे हैं और सचिन पायलट का केंद्र की राजनीति में जो दखल है वह ये बता रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सचिन पायलट की महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, सबसे पहले हम वो आपको सुनाते हैं। आज मीटिंग थी स्क्रीनिंग कमेटी की और राजस्थान के सभी सीटों पर चर्चा करी है और पूरी तैयारी है। हमारे अध्यक्ष प्रभारी पूरा दौरा कर आए थे, हम सबसे राय ली है और हम सब लोगों ने अच्छा फीडबैक रिसीव किया है और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव अच्छा लड़ेंगे और मुझे लगता है कि जो हमारा वोट डिफरेंस था विधानसभा में वो 1.5% का था, तो ये देखकर मुझे लगता है हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे लोकसभा में। और हमारी कोशिश ये है कि चुनाव हम उन मुद्दों पर लड़ें जो जनता के मुद्दे हैं। अब भाजपा कोशिश करती है भावनात्मक मुद्दे हों, विवादित मुद्दे हों, उस पर चर्चा कराने की। हम चाहते हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन इश्यूज़ को लेकर चुनाव लड़ा जाए। इसी को लेकर खड़गे जी ने कल जो एक पेपर जारी किया था वो पूरी जो NDA की सरकार है 10 साल की उसका लेखा जोखा था। उसके अंदर महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, इस पर हम फोकस करना चाहते हैं। क्या दिग्गज नेताओं को भी चुनाव लड़ा जाएगा, कोई चर्चा हो? अंतिम निर्णय पार्टी लेगी, लेकिन सारा फीडबैक हम लोगों ने दिया है कमेटी के अंदर और आपस में खूब खुलकर चर्चा करी है। अच्छा पैनल तैयार हुआ है और बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। आपने सुना कि सचिन पायलट ने मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये मीटिंग लोकसभा चुनावों को लेकर थी। हालांकि उन्होंने किसी स्टेट का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा उनका जो तात्पर्य था वह था कि इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। साथ ही राजस्थान में लोकसभा चुनाव यदि बात करें, पिछले जो चुनाव थे 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो वहीं इस बार कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है। हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस उसके पसीने छुड़ा सकती है। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।